गाइस वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस आज हम लेकर आए हैं सैटरडे का न्यूज़ एनालिसिस फॉर द हिंदू। तो गाइस देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते हैं तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो इसमें आया है पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया उलूवलन और द ग्रेट टुमुल्ट इज द ग्रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, तो अगर आपको इस टर्म के बारे में पता है तो डेफिनेटली इसका आंसर भी पता होगा। तो पहला ऑप्शन है रिवोल्ट ऑफ 1857, सेकंड ऑप्शन इज़ मपीला रिबेलियन ऑफ 1921, थर्ड ऑप्शन इज इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-60 और बिरसा मुंडाज रिवोल्ट ऑफ 1899 और 1900। जो भी ऑप्शन करेक्ट है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर। ठीक है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में आपसे वो पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इनटू विट्रो बाय द डोनर स्पर्म, सेकंड इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू फंक्शनल एम्ब्रियोस, फोर्थ इज प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन। तो पहला ऑप्शन है मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, सेकंड इज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड ऑप्शन इज रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, फोर्थ ऑप्शन इज मेकिंग कट मोशंस। होपफुली आपने आप अटेम्प्ट कर लिया होगा। नाउ अंडरस्टैंड द रियल राइट आंसर। देखो पहले का क्वेश्चन था उलूगुन वाला का बिरसा मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आपका प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर पूछा था, इसका आंसर होगा प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज इन दी ऑफस्प्रिंग के लिए ये यूज किया जाता है। राज्यसभा की इक्वल पावर लोकसभा में कब होती है, जब अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है। ठीक है, तो कितने मार्क्स आए आपके मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी बताएंगे। इसके साथ साथ जो आपका दे रखा था ना क्वेश्चन नंबर थर्ड का, उसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि आर्टिकल 368 जो होता है उसमें भी ये लिखा हुआ है, आपका 368 आर्टिकल भी इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा। तो आर्टिकल 368 हमें क्या बोलता है गाइस, प्रोसीजर बताता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। तो क्या कहता है कि ऐसी अमेंडमेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनिशिएट की जाती है पार्लियामेंट नॉट इन अ स्टेट लेजिस्लेचर, तो बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल राइट्स। ठीक है, दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल, जस्ट मेमोराइज इट प्रॉपरली। नाउ लेट्स मूव टू द पीआईबी न्यूज़ फॉर यस्टरडे, जो भी सॉरी आया था उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज सबसे पहले जिसमें पीआईबी की न्यूज़ थी, कैबिनेट अप्रूव्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रॉ जूट के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब देखो एमएसपी फॉर रॉ जूट जो जूट होता है उसके लिए अप्रूवल कौन देता है, अप्रूवल देता है रिकमेंडेशन के बेस पर आती है, दैट इज सीएसीपी। सीएसीपी का फुल फॉर्म ध्यान रखना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, फिक्स किया गया है 50-50 रुपीज़ इतना में पर क्विंटल। ठीक है, 2030 आपका 2023 और 2024 के साइज सीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इट अश्योर्स अ मिनिमम 50% मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी ये देता है, और ये बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है टुवर्ड्स इंश्योरिंग दी बेटर रिम्यूनरेटिव रिटर्न्स टू द जूट ग्रोवर्स। ठीक है, इंसेंटिवाइज करने की बात है ना। अच्छा, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन भी होती है उसका ध्यान रखना, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विल कॉन्टिन्यू एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट नोडल एजेंसी है जो प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन को अंडरटेक करती है, जो इसमें कोई लॉसेस अगर हुए हैं तो उसको भी ध्यान में रखती है और फिर उसको फुली रिम्बर्स कराती है बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी है। ठीक है जी, चलो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर न्यूज ऑफ पीआईबी, दैट इज I2U2 ग्रुप लीडर्स मीटिंग ऑन फूड सिक्योरिटी एंड अदर इश्यूज। ठीक है, तो I2U2 में आपको कंट्रीज पता ही है, इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE, आपकी चार कंट्रीज होती हैं जो I2U2 का ग्रुप है। अब इस मीटिंग में क्या बात हो रही है, ये देखा जा रहा है कि भाई यूनिक तरीके से जो चैलेंज आ रहे हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, जैसे कि नए इनिशिएटिव लिए जाए, कुछ ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट की जाए वाटर पर, एनर्जी पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, फूड सिक्योरिटी पर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें ना ध्यान रखना, इंडिया ने भी ज्वाइन किया है I2U2 का जो बिजनेस फोरम है ना, तो इंडिया है ज्वाइन द मिशन फॉर क्लाइमेट, इसको हम कह रहे हैं AM4C एग्रीकल्चरल इनोवेशन। देखो ध्यान में रखना, ये आपसे पूछ सकता है ना कि ये जो ग्रुपिंग है इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव निकल कर आया है, तो वो आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, एम फॉर क्लाइमेट। ठीक है, बाय साइनिंग द लेटर, साइन किया इन्होंने, लॉन्च बाय द UAE एंड USA, ध्यान में रखना, इसराइल भी इसका पार्टनर है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो पूरा ग्रुपिंग है ना AM4C का, यानी कि एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, इसका यही रहेगा कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल हंगर को हमें क्या करना है, एड्रेस करना होगा। ठीक है, उसके लिए बनाया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर ने प्रोग्राम तैयार किया है।
ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू दी आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का, याद रखना नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के बारे में दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। ऑयल पाम, ठीक है, तो इसे लॉन्च किया गया, क्यों किया गया, ताकि हम ऑयल पाम कल्टीवेशन को प्रमोट कर पाएँ और हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बना पाएँ एडिबल ऑयल की दृष्टि से, ठीक है। अब इसमें नेशनल फूड मिशन जो ऑयल सीड्स का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको भी इम्प्लीमेंट करा जा रहा है रैपिड, जैसे कि इसमें क्या होगा, इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा, मस्टर्ड सीड का डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, इनके कल्टिवेशंस को बढ़ाया जाएगा, हाइब्रिड सीड ढूंढे जाएंगे, लाइक दैट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है ऑयल सीड का, उसने इसको इम्प्लीमेंट करा है आपके कई सारे राज्यों में, जैसे कि आपके 28 स्टेट है ना, इसमें गुजरात एंड असिस्टेंस ऑल्सो प्रोवाइडेड टू 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, इस तरह से किया जा रहा है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट गाइज, एक फंड के बारे में आया हुआ है, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड आया हुआ है, ठीक है, इसके बारे में समझो ये क्या होता है, इसको किसने इम्प्लीमेंट कराया है। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड योर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, इस कम्युनिटी जिसको फार्मर के वेलफेयर के लिए बनाया गया है, मॉडर्नाइज करने के लिए एग्रीकल्चर सिस्टम को, इनोवेटिव तरीके से है ना एग्री एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए बनाया गया है। तो इसमें जो है ना, इसमें इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है अंडर कृषि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बनाया जा रहा है इसको। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, नर्चर किया जाए इनक्यूबेशन इको सिस्टम को, ठीक है, इसलिए करा जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ने 5 नॉलेज पार्टनर्स बनाए हैं, 24 RKBA बिजनेस पार्टनर्स आज अपॉइंट किए गए हैं फॉर इंक्यूबेशन ऑफ स्टार्टअप्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। एग्री स्टार्टअप में क्या होगा, सपोर्ट किया जाएगा वेरियस स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे उसका स्केलिंग करना ग्रोथ स्टेज पर है ना, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में उसकी हेल्प करना, जैसे एग्री लॉजिस्टिक्स के लिए, फार्म मैकेनाइजेशन, डेयरी फिशरीज, वेस्ट टू वेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, सब पे जगह मदद की जाएगी। स्टार्टअप्स को भी ट्रेन किया जाएगा नॉलेज पार्टनर्स के थ्रू, आपके RKY एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स के थ्रू, ठीक है। तो सारे के सारे इनका मेन मकसद क्या है कि एग्रीकल्चर को और ज़्यादा अच्छा करना, ऐसा इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गनाइज कर रही है वेरियस नेशनल लेवल प्रोग्राम, जैसे कि कॉन्क्लेव करना, एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव करना, एग्री फेयर एग्जीबिशन वेबिनार्स बनाना, प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जिसमें एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। तो दिस इज गाइज ऑल अबाउट द PIB न्यूज़। राउंड जीरो में गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई है, चेंजिंग सिनेरियो ऑन द कार्ड। देखो, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ना इंडस्ट्री जो गेम ऑफ स्किल्स की है, लाइक पोकर है, रमी है, वो बहुत सक्सेसफुल तो सेलिब्रिटीज़ के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी हमारा सोसाइटी का सेक्शन है जिनके लिए फाइनेंशियल रुइन बन के रह गया है। मतलब इतना नुकसान उनको झेलना पड़ जाता है कि मतलब बिल्कुल ही उनका डेट क्राइसिस में आ जाते हैं वो, इतना ज़्यादा। तो इफ़ यू प्ले विदाउट मनी, पीपल जस्ट गो इन ऑल है ना वैसे ही मजे लेने के लिए, तो हैविंग रियल मनी एट द स्टेक, मनी मेक यू मोर इंटरेस्टिंग गेम्स तो बना देता है, लेकिन वो सारा का सारा लूट लाट के भी ले जाता है। तो इसमें पूरा का पूरा ना, इसमें पूरे आर्टिकल में यही बता रखा है कि कैसे कैसे ना, मतलब कई सारे ना केस स्टडीज़ दी हुई हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट जानना है, ऐसे ना यहाँ पर एक जो केस दिए हुए हैं वो हम जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ बातें, जैसे कि जैसे देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आई हुई है कि आई लॉस्ट ₹20 lakh एंड रीच द लिमिट ऑन दीज 3 कार्ड्स, मेरे लिमिट ही खत्म हो गई, स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो इनह्यूमन कंडीशन क्रिएट हो गई उनके लिए। अच्छा, पहला ऐसा मेजर केस जो एम्बिग्यूटी से रिलेटेड इसके अंदर आया था वो था RMD जमार बोगवाला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस वॉज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट इन 1957 में, फाइल किया गया इंडियन गवर्नमेंट में, पास किया गया 1955 में, ताकि लिमिट किया जा सके प्राइस कॉम्पिटिशन, जैसे क्रॉसवर्ड पजल्स में है ना, वर पार्टिसिपेंट सेंट इन सोल्यूशन बाय मेल, तो क्रॉसवर्ड चैलेंज बन द कोर्ट केस पर्टेन टू पजल दैट हैड नो सेट सोल्यूशन, कुछ का कुछ था ही नहीं। तो एडजुकेटिंग जो कमेटी थी उसने रिस्पॉन्सेज दिए, भाई पोस्ट डिटरमिनेंट द स्किल्स इन्वॉल्व में क्या क्या लगता है। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब कोर्ट ने रियली ना जानने की कोशिश करी कि वॉट वुड बी अ गेम ऑफ चांस क्या होता है, गेम ऑफ स्किल क्या होता है, इसके बारे में पहले सबसे पहले उसी केस की वजह से ये सारी की सारी बातें निकल कर आई थी। एंड दैट वेयर द थिंकिंग इवॉल्व्ड है ना, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ स्किल टेस्ट कहाँ से होता है, ये सारा का सारा इसी में निकल कर आया। तो 1968 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भी जो रमी है या अंदर कार्ड गेम है, डेट इज़ ऑफन प्लेड फॉर मनी, पास दिस टेस्ट। 1996 बेटिंग ऑन हॉर्स रेसिंग ऑल्सो पास दिस टेस्ट, ऐसे ही हो गया था। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इस वक्त स्टार्ट किए गए हैं और इसमें ये सारी चीज़ें खेली जा रही हैं ना। तो लेकिन ये ध्यान में क्या रखना है कि आप इतना वो मत हो जाओ मशहूर कि आप सारा पैसा ही गंवा दो। तो यहाँ पर कह रहा है, डिस्पाइट दिस गेम्स बीइंग लीगल, बहुत सारे कैसिनोज को रिस्ट्रिक्ट करा हो गया है, ओनली दोज गेम्स आर एजुकेटेड गेम्स ऑफ स्किल जो कि स्पेकुलेट किया जाएगा, मेन रीजन फॉर दिस इकॉनमीज, वाइल कैसिनोज ट्रेडिशनली टेक अ कट ऑफ प्लेयर विनिंग्स है ना, दे टेंड टू मेक मोर ऑन स्लॉट मशीन्स और गेम लाइक बैक जैक। तो दीज मशीन एंड गेम्स हैव सो कॉल्ड हाउस एज है, जो कि क्या कर रहे हैं, एडवांटेज स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो रनिंग अ फिजिकल एस्टैब्लिशमेंट विद जस्ट गेम्स ऑफ स्किल इज नॉट फाइनेंशियली अट्रैक्टिव।
फिर गेम्स आपकी कम रन कर रही हैं, इंटरनेट पे रन कर रही हैं, प्लेयर्स कैन कनेक्ट फ्रॉम एनी वेयर, तो एवरी थिंग चेंजेस. तो प्लेइंग कॉस्ट सो लिटिल दैट इवन विद अ मॉडेस्ट कमीशन ऑन विनिंग्स प्लेटफॉर्म्स, ऐसा भी देखने को मिल रहा है. फिर फाइनेंशियल रुइन, और ऐसे देखो कितना गंदा केसेस आ रहे हैं कि भाई सुसाइड तक की बात पहुँची जा रही है. तो आप सोच ही सकते हो कि इतना एडवर्टाइज़ किया जाता है ऑनलाइन रमी प्लेटफॉर्म्स को सोशल मीडिया में कि उसमें आपका कितना कुछ चला जाएगा, और वो इतना ज़्यादा एडवर्टाइज़ कर देता है कि देखो जो चीज़ ज़्यादा एडवर्टाइज़ की जाएगी फिर मन में आ ही जाता है कि यार एक बार खेल के देख ही लेते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे भी देने वाली चीज़ है ना. तो ओवरनाइट जो हम सोचते हैं ना कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, तो उस चक्कर में हम इन सारी गेम्स में कूद जाते हैं, फिर हम कुछ नहीं समझते है ना. तो उस चक्कर में क्या होता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज पोज टू ग्रो एस्ट्रोनॉमिकली. तो रिपोर्ट एक इवन आई थी, रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन एस्टिमेट कर रहा है उसने कि इंडियन रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो 2 बिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है इस साल. तो असाइड फ्रॉम अ प्रपोज 28% GST भी जा रहा है, दे मे सून बी इम्पोज ऑन डिपॉजिट्स. तो रन अवे फॉर द रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री इज लार्जली क्लियर. द न्यू लीगल फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा जरूरत है, विल ग्रांट लेजिटिमेसी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेकिंग मनी फॉर विनिंग्स एंड हैंड फॉर लॉन्ग डॉर्मेंट इंडस्ट्री काइंड ऑफ लीगल सेफ्टी नेट एंड इकोनॉमिक पावर देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है. ये सब करना ज़रूरी है क्योंकि देखो इतने सोसाइटल केसेस आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना. उसके बाद देखो यहाँ पर आया हुआ है कि ना 10 करोड़ की पेनल्टी लगी है केरला पर. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी रामसर साइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया. कौन सी रामसर साइट्स इनकी प्रोटेक्ट नहीं हो पाई? इंडिस्क्रिमिनेट पॉल्यूशन इनका वेम्बन और अष्टमुडी लेक्स पे रहा है जो कि लिस्टेड एज अ रामसर साइट्स, ठीक है. तो इन पे पेनल्टी किस बात की लगाई है? पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल पे लगाई है जो कि रिंग फेंस्ड अकाउंट और वी ऑपरेटेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ चीफ सेक्रेटरी. तो ठीक है, तो ये डिपॉजिट्स हैड टू बी मेड विद इन अ मंथ, उसके बाद 1 महीने में इनको ये भी करके भेजना है, ठीक है. अब समझो ये पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल क्या होता है. पल का मतलब होता है दोज हु प्रोड्यूस पोल्यूशन शुड बियर द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इट, है ना. तो इसीलिए उसी को कहते हैं पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, ठीक है. अब देखो इसमें आया हुआ है मेंबरशिप ऑफ बैंड आउटफुट इज क्राइम अंडर UAPA सेज सुप्रीम कोर्ट. टॉप कोर्ट ने साइड किया अपनी जजमेंट दैट इंक्लूडेड दैट मियर मेंबरशिप अनलाइक एक्टिव मेंबरशिप ऑफ लॉफुल ग्रुप डिड नॉट मेक अ पर्सन क्रिमिनल और अ टेररिस्ट. ध्यान से सुनना इसके बारे में. क्लैरिफिकेशन बेसिकली दी है कि पर्सन हु इज़ और कंटिन्यूज टू बी वेन अ मेयर मेंबर ऑफ बैंड ऑर्गेनाइजेशन इज लाइबल टू बी फाउंड आपका क्रिमिनल अंडर दी लॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट फॉर एक्टिंग अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. लेकिन फिर जजमेंट को और ज़्यादा समझा गया, ठीक है. तो बैठी जजमेंट, ठीक है. इसके बाद जजमेंट में यहाँ पर रेफर किया गया कि जो सेक्शन 10A का फर्स्ट क्लॉज है ना ऑफ द UAPA डील कैसे करता है कि मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल एसोसिएशन के बारे में बात करता है. तो प्रोविजन ये है कि कोई भी एसोसिएशन जो डिक्लेयर्ड अनलॉफुल हो चुकी है बाय नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 3 विच हैज़ बिकम इफेक्टिव अंडर सब सेक्शन, तो यहाँ पर बता रखा है कि उसके लिए है ना कि इसमें बता रखा है पर्सन हु इज़ अ कंटिन्यूज टू मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 to 2 years और शेल बी लाइबल टू फाइन ऑल्सो. तो कोर्ट ने फिर रेफर किया आर्टिकल 19 का फोर्थ क्लॉज और बोला कि भाई विच मैंडेट द राइट ऑफ द सिटीजन राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन वॉज सब्जेक्ट टू पावर ऑफ द स्टेट टू मेक लॉ टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. तो आर्टिकल 19 का 4 क्लॉज भी आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है, ठीक है. तो कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई करा पर्सन हु हैड लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट द मेंबर एट द टाइम ऑफ वॉज डिक्लेयर अनलॉफुल कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल अंडर सेक्शन 10(1)(a) और द UAPA. तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है जी. तो ये इसमें न्यूज़ में आपका रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी विच नीड्स टू बी डिस्कस, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है ISMR हेल्थ रिलीजेस एथिकल गाइडलाइंस फॉर AI है यूसेज इन हेल्थ केयर. तो इसका देखो मेन मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि एथिकल पैरामीटर्स पर रहते हुए ही AI स्पेस का अडेप्टेशन और सोल्यूशन निकाला जाए. तो ICMR डेट इज़ योर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एथिकल गाइडलाइंस दी हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बायोमेडिकल रिसर्च इन हेल्थ केयर में किस तरह से यूज़ किया जाए. तो AI असिस्टेड प्लेटफॉर्म है, अवेलेबल है, बेनिफिट जो लार्ज सेक्शन ऑफ द कॉमन पीपल को करेगा डेफिनेटली. तो इसमें डेवलप किया जा रहा है, एक्सटेंसिव डिस्कशन इसमें किया जा रहा है कि भाई जितने भी एथिक्स हैं कुछ गाइडलाइंस भी तो होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि ये और ही ज़्यादा अनएथिकल क्राइसिस शुरू कर दे. तो इसीलिए कुछ एथिकल उस पर आपका इसमें दे रखा है कि एज पर द न्यू गाइडलाइंस एथिकल रिव्यू प्रोसेस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ कम्स अंडर द डोमेन ऑफ एथिक्स कमेटी के बनाई गई है. एथिक्स कमेटी ये सारा का सारा देखेगी कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि ऐसा ना है. तो डॉक्यूमेंट नोट्स कर रहा है कि रेगुलेशन ऑफ AI टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर स्टिल बहुत ही अभी छोटे लेवल पर है डेवलप कंट्रीज़ में, तो इसलिए अभी उसको और ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है,
ठीक है, दिस इज़ अबाउट योर दिस न्यूज़। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर न्यूज़। तो देखो ये ट्यूलिप्स हैं, श्रीनगर में चले जाओ एक बारी, 15 लाख मल्टी कलर्स आपको ट्यूलिप्स देखने को मिलेंगे। वन ऑफ द फ्यू ट्यूलिप फ्लावर्स के बारे में ध्यान रखना, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फ्लावर्स टू ब्लूम आफ्टर अ प्रोटेक्टेड विंटर्स इन कश्मीर। सिग्नेटरी फ्लावर्स होते हैं वैली गार्डन्स में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ न्यूज़। थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल।